नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक वंदन। बात उस समय की है जब चंद्रगुप्त और चाणक्य अपने राज्य की सीमा को विस्तार देने के लिए पड़ोसी देशों को जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं हो पा रही थी। एक दिन दोनों थके हारे एक बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचे और उन्होंने बुढ़िया से कहा कि माई, भूख लगी है, हमें खाना खाना है। वो दूसरे वेश में थे इसलिए बुढ़िया उन्हें पहचान न सकी। बुढ़िया ने उन्हें गरम गरम खिचड़ी परोसी। दोनों भूख से बेहाल थे, दोनों ने तुरंत बीच में गरम गरम खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया और हाथ डालते ही उनका हाथ चलने लगा। ये देखकर बुढ़िया बोली कि तुम लोग भी चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह गलत कर रहे हो। तब उन्होंने पूछा, माई वो क्या गलत कर रहे हैं? तब बुढ़िया ने कहा कि अगर उन्हें अपने देश का विस्तार करना है तो सबसे पहले पड़ोस की सीमाओं को जीतना होगा। सीमाएं अगर मजबूत हो जाएंगी तो फिर वो बीच के जो भी शहर हैं, गांव हैं, उनको जीत सकते हैं। वो सबसे पहले बीच के गांव जीतने निकल पड़े हैं, तब सारी सीमाएं मिलकर उन पर आक्रमण कर देती हैं और वो जीत नहीं पाते हैं। यहाँ से चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सबक लिया। तब बुढ़िया बोली, उसी तरह से आप दोनों भी खिचड़ी को अगर खाना है, वो गर्म है, तो आप उसे किनारे किनारे से ठंडा करते हुए खाइए। आपने उसे बीच में हाथ डाल दिया तो आपके हाथ जल गए। इसी तरह से मित्रों, हमें भी अपने अंदर जो छोटे छोटे प्रमाद हैं उन्हें जीतना होगा। क्रोध सबसे बड़ा है, क्रोध, क्रोध की अग्नि को हमें जीतना होगा। हमारे अंदर जो लोभ है, मोह है, माया है, ईर्ष्या है, इन सब को हम जीतेंगे तभी हमारी आत्मा के अंदर गुणों का विकास होगा और हमारी आत्मा उधरगामी बनेगी और तभी हम परमात्मा को पाने की राह की दिशा में चल पड़ेंगे। इसलिए कोशिश करें कि अपने अवगुणों को हम सबसे पहले जीतें। नमस्कार।